दोस्तों व्हाट इज फ्लाइट मोड, फ्लाइट मोड क्या है एंड दोस्तों हमारे मोबाइल पर ये फ्लाइट मोड क्यों दिया हुआ रहता है एंड फ्लाइट मोड का काम क्या होता है, तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देबू और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल देबू यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि फ्लाइट मोड का काम क्या होता है हमारे मोबाइल पर, तो दोस्तों देखिए फ्लाइट मोड जो है वो हमारे मोबाइल पर इसीलिए दिया जाता है कि फ्लाइट मोड को जब भी आप ऑन करते हैं तो फ्लाइट मोड को ऑन करने से आप ना ही तो किसी को कॉल कर सकते हैं, ना SMS कर सकते हैं, ना ही आपके पास कॉल आ सकता है या SMS आ सकता है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्लाइट मोड को ऑन करने से ना तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही आपको कोई कॉल कर सकता है, कोई SMS कर सकता है, ना ही तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्लाइट मोड हमारे मोबाइल पर किस लिए दिया जाता है। दोस्तों फ्लाइट से ट्रैवल करते टाइम हम लोगों को फ्लाइट के अंदर बोला जाता है कि अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले या फ्लाइट मोड को ऑन कर ले। दोस्तों फ्लाइट मोड को ऑन कर ले इसको इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अपने मोबाइल को ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई वीडियोस या कोई गाना सुनने के लिए मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं फ्लाइट के अंदर, तो दोस्तों आप फ्लाइट मोड को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइनली मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई ऑफलाइन वीडियोस या ऑफलाइन गाना नहीं सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फ्लाइट के अंदर हम लोगों को क्यों बोला जाता है कि अपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड ऑन कर ले या अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले। तो दोस्तों देखिए जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारा मोबाइल क्या करता है कि आसपास का जो नेटवर्क है उसको स्कैन करने का कोशिश करता है, उससे कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है ताकि हम लोगों को नेटवर्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों हम लोग जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक नेटवर्क नहीं है, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों हमारे मोबाइल को दूर दूर तक नेटवर्क टावर नहीं मिल पाता है, तब हमारे मोबाइल सिग्नल को बूस्ट करता है ताकि आसपास में जो भी शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क टावर हो उससे वो कम्युनिकेट कर सके एंड हमारे मोबाइल पर नेटवर्क मिल सके। तो दोस्तों ये जो मोबाइल आसपास की नेटवर्क को कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि फ्लाइट का जो पायलट है उसे प्रॉब्लम हो सकता है एंड फ्लाइट का जो सेंसर है, नेविगेशन सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते टाइम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना या फ्लाइट मोड को ऑन करना भूल जाते हैं तो फ्लाइट का पायलट को प्रॉब्लम होगा ही या फ्लाइट का नेविगेशन सिस्टम में, फ्लाइट का सेंसर में प्रॉब्लम होगा ही। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर कर लीजिएगा या फ्लाइट मोड को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों उस समय तो आपको कोई कॉल भी नहीं कर सकता है, ना तो कोई SMS कर सकता है, ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हो, ना ही SMS कर सकते हो। तो दोस्तों इससे तो बढ़िया है कि आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रख ले या आपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड ऑन कर ले ताकि दोस्तों हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो फ्लाइट से ट्रैवल करते टाइम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तब अपने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लेंगे या अपने अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि जिसको फ्लाइट मोड के बारे में जानकारी नहीं है उसको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।